हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया ली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से मैं बहुत अच्छी हूँ। सो मेरी आवाज़ अभी आपको बहुत अजीब लग रही होगी, क्योंकि ना मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। अभी 11:30 हो रहे हैं सुबह के। तो इतने लेट किस लिए उठी हूँ? क्योंकि कल जो है ना, ज़ायद को जो बच्चों के इंजेक्शन होते हैं वो लगे थे, और उसको एक साथ तीन लगे, एक हाथ पे और दो पैरों पे। उसने कल मेरे को इतना ज़्यादा परेशान किया, एक तो उसको फीवर था और ऊपर से उसको दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसने मुझे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई। सुबह सोई हूँ मैं, 5:30 ऐसी सोई हूँ मैं, और जैद भी मेरे साथ जब ही सोया है। सुबह से ऐसे मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी उठने का, बट क्या करें, उठना तो पड़ेगा। और मेरी आंखों में अभी बहुत ज़्यादा नींद भर रही है, सॉरी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि शुमारा की क्लास है आज संडे के दिन भी, तो इसलिए उसको 1 बजे जाना है। तो अभी मुझे काम भी करना है, उसको नहलाना धुलाना भी है। सो बस वही है कि बस अभी मैंने गर्म पानी पिया है थोड़ा सा, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पी के ना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। गर्म पानी और ब्लैक कॉफ़ी, अब आजकल मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ, पता नहीं मेरा मन नहीं करता, बट मैं गर्म पानी पीती हूँ। सो मैंने गर्म पानी पिया है, अब जा रही हूँ मैं, चाय बनाऊँगी अपने लिए, और चाय के साथ देखते हैं क्या खाएंगे। फिर उसके बाद काम करेंगे। जैद मेरा पहली बार, मतलब जब से ही हुआ है तब से ये बीमार था काफ़ी टाइम तक, तो इसके इंजेक्शन रुके हुए थे। अब आकर इसको पूरे 6-7 महीने में इंजेक्शन लगे, तो इकट्ठे 3 इंजेक्शन लग गए। और जब कल जब इसके इंजेक्शन लग रहा था, तो जब ये रोया है ना, मैं खुद भी रोने लग गई हूँ, और वहाँ पर जो 2-3 लेडीज़ थी वो मुझे देखकर ना वो भी रोने लग गई थी। क्योंकि शुमारा को मैं इंजेक्शन लगवाती थी, तो शुमारा ना अब इस बात को कम से कम 5 साल हो गए, क्योंकि शुमारा फरवरी में 6 साल की हो जाएगी, तो 5 साल हो गए इस बात को। तो मैं लगवाती, मैं उस टाइम भी बहुत रोती थी, क्योंकि मुझसे ना मेरे से अपना इंजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता, ये तो मेरे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो शुमारा रोती थी ना, तो भी मैं रोने लग जाती थी। फिर कल मैंने ना इसके पापा को बुला लिया था कि तुम आ जाओ, और मैं नहीं लगवा पाऊँगी इंजेक्शन। बट क्या हुआ कि उनके आने से पहले ही ना मेरा नंबर आ गया, और मेरे को उन्होंने बुला लिया कि आप आ जाओ। तो फिर मजबूरन मुझे जैद का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। और जो वो रोया है ना, मतलब आप ये लगा लो कि मेरी तो जान ही निकल गई थी, मतलब मैं इतना ज़्यादा रोने लग गई थी वहाँ पर। और मुझे देख के वहाँ की 2 लेडीज और रोने लग गई थी, और डॉक्टर मुझे समझाते, अरे कोई बात नहीं है, तो बच्चे के अच्छे, खैर ये बच्चे के अच्छे के लिए ही इंजेक्शन होते हैं, बच्चों को 10 बीमारियों से बचाते हैं हर चीज़ से। बट माँ का दिल है ना, चरा सा बच्चों को तकलीफ होती है ना, माँ से बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा ही होता है। अगर मैं भी कभी अगर फ़ोन पर भी अगर रोने लग जाती हूँ किसी बात पर ना, तो मेरी मम्मी ना आवाज़ सुन के रोने लग जाती है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी कि अपनी औलाद। और आप लोगों की मम्मियाँ भी ऐसी होगी, हर किसी की माँ ऐसी होती है। तो बस मैं रोने लग गई थी, बट फिर इसके पापा आए, उन्होंने थोड़ा समझाया। और मेरा जैद बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरा बेटा, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद ही चुप हो गया, और उसके बाद वो खेलने लग गया। बट उसको शाम के टाइम ना जाके बुखार चढ़ गया था, दोपहर में ही चढ़ गया था, फिर वो ज़्यादा परेशान करने लग गया। खैर कोई बात नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि 2 दिन बच्चा परेशान करता है, तो कल का दिन तो निकल गया है। अभी मैंने जैद को सुबह सुबह दवाई भी दी है, तो दवाई दे दी, अभी तो वो सो रहा है, थोड़ा आराम है उसको। अभी थोड़ी देर में उठेगा, तो फिर मैं उसको दवाई दूंगी। और जो मेरा प्रैंक वाला व्लॉग था, उसमें एक भैया ने बोला था कि सलमान भाई को ना पता था कि प्रैंक करने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्हें ये पता होता कि कैमरा चल रहा है, तो मेरा सामान नहीं फेंकते। उनको बच्चों के मामले में ना बहुत गुस्सा आ जाता है। तो और वैसे भी मैं नहीं जाने वाली हूँ घर पे, ऐसा नहीं है कि वो मुझे मना कर रहे इसीलिए, पर मेरा दिल नहीं है, क्योंकि मेरे पापा के जाने के बाद मेरा भाई का ये पहला बर्थडे है,
तो वो भी कुछ ऐसा सेलिब्रेट उसका करने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका मन ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन सिर्फ हम सब चाहे एक दूसरे बात करें ना करें, एक दूसरे के साथ मिले ना मिले, पर सब कहीं ना कहीं तकलीफ ही होगी सबको, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन है, चाहे मैं। क्योंकि क्या हुआ था कि हम ना 5 बहनें हैं, 5 बहनों के बाद उजेब जो मेरा भाई है ना, वो हम 5 बहनों के बाद आया था, तो मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। तो जब मैं थोड़ा सा, मेरे को जब समझ आई थी ना कि भाई किसको कहते हैं, तो जब मेरी बहन होती थी ना, मैं ना बहुत रोती थी कि मेरा भाई नहीं आया, मेरा भाई नहीं आया। तो क्या हुआ था कि फिर जब मेरे हम 5 बहनों, उसके बाद मेरे ना जिस दिन मेरा भाई पैदा हुआ था, 16 जनवरी, 16 जनवरी को, तो ना वो सुबह 11:15 हुआ था, 11:16 पे, मुझे अभी भी टाइम याद है बहुत अच्छे से। ग्यारह बज के 16 मिनट पर सुबह सुबह मेरे पापा 10 बजे अपने, मेरे पापा का सलून था, मेरे पापा सलून चले गए थे, तो मेरे पापा बोल के गए थे कि क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत उस टाइम उन्हें ठीक नहीं लग रही थी, पर उन्हें काम पर जाना बहुत ज़रूरी था, और फैमिली में सब लोग थे मेरे मम्मी को देखने वाले, मेरे दादा दादी, मेरी चाचियाँ, सब लोग थी। तो मेरे पापा बोल गए थे कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मुझे कॉल कर देना। तो जब 11:15, जब 11:15 उजेब हुआ, तो ना मेरे को ना मेरी दादी ने बोला जो जल्दी जाओ पापा को कॉल कर, तो मैं और मेरी चाची गए थे मेरे पापा को कॉल करने के लिए। तो जब मैंने पापा का नंबर लगाया ना और मैंने कान पे लगाया, तो पापा ने जैसे हेलो बोला ना, तो मेरे से ना बोला ही नहीं जा रहा, मतलब मैंने खुशी के मारे इतना रोने लग गई थी ना कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही, और मेरे पापा घबरा गए। मेरे पापा कह रहे बोल क्या हुआ बोल। और जो उस टाइम ना एसटीडी होती थी घर पे, हमारे फ़ोन नहीं था, मेरे पापा के पास मोबाइल फ़ोन था, बाकी किसी घर पे नहीं था, तो एसटीडी थी, मैं एसटीडी, तो एसटीडी वाले जो भैया थे ना, वो कह रहे अरे क्या हो गया इसको, क्या हो गया। तो मेरी चाची कहने लगे अरे कुछ नहीं, इसका भाई आया ना, तो ये खुशी के मारे ना बोल नहीं पा रही, इसलिए रो रही। फिर मेरी चाची ने मेरे से फोन लिया, फिर मेरे पापा को बताया कि भाई ऐसे से ना आपका लड़का हुआ है, आपके ना लड़का हुआ है भाई। मेरे पापा इतने खुश, मेरे पापा ने उसी टाइम अपना काम छोड़ दिया, और सबसे पहले मेरे पापा निज़ामुद्दीन दरगाह शरीफ गए, वहाँ पर उन्होंने चादर चढ़ाई, मिठाई बाँटी सब जगह, मेरी नानी के घर गए, वहाँ सबको मिठाई बाँटी, मतलब जितने भी रिश्तेदार थे मेरे पापा। एक दिन संडे का दिन था, उस दिन जिस दिन उसे हुआ था, संडे का दिन था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मेरे पापा सब जगह होके, फिर मेरे पापा शाम को 7:30 आए थे उजेब को, जब उन्होंने देखा था, क्योंकि उनके दिल की दुआ थी, मतलब उन्होंने दिल से मान रखा था कि जिस दिन मेरा बेटा होगा ना, पहले मैं दुनिया में जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं ना, मतलब दुनिया में सॉरी दिल्ली में जितने भी रिश्तेदार हैं, मैं सबको, सबका मुंह मीठा कराऊंगा, उसके बाद मैं अपने बेटे का चेहरा देखूंगा। तो मेरे पापा सबसे पहले ही सब करके आए, फिर मेरे पापा ने आके उजेब को देखा, और वो फिर आके रोने लग गए थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक होता है ना कि देखो आज बेटियां हैं, मैं भी हूँ, पर मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी ससुराल में हूँ, पर बेटा क्या होता है कि कहते हैं कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं होता, नहीं होता कोई फ़र्क, माँ बाप के लिए बेटी और बेटा दोनों बराबर होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जब शादी हो जाती है तो लड़की छोड़ के चली जाती है, और माँ बाप को सिर्फ बेटे से ही उम्मीद होती है कि वो हमारा साथ देगा, अब वो उसके ऊपर है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, बट माँ बाप को अपना एक सहारा मिल जाता है कि शायद बुढ़ापे में, क्योंकि बेटी कभी किसी के घर में नहीं रही है और ना माँ बाप रख सकते हैं उसको, तो बस यही है। तो खैर कोई बात नहीं, तो बस यही है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा दिल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊंगी वहां पर ना, तो सब मतलब ऐसे ही रहेंगे ना, तो मेरा दिल ना और हो जाएगा, और वैसे ही मेरा दिल कल से ना बहुत अजीब सा हो रहा है, मतलब जितना उसे का बर्थडे का टाइम पास आ रहा है ना, उतना ही मेरा मन ना थोड़ा सा ऐसे ही अजीब सा होता जा रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं जाऊंगी, मेरा दिल नहीं है बिल्कुल भी जाने का। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपने भाई को विश करूंगी, सो बहुत सारी दुआएं दूंगी, और जाऊंगी घर पे, पर अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मन नहीं है। और उसने मेरे को बोला, उसको पता है कि बाजी नहीं आएंगी, क्योंकि उसने मेरे पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला है, उसको पता है कि पापा की वजह से वो नहीं आएगी, और क्योंकि वो आएगी मम्मी मम्मी को देखेगी रोते हुए, तो फिर वो परेशान हो जाएगी, उसको पता है बहुत अच्छे से, इसलिए मुझे बोलेगा भी नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने पहले व्लॉग में भी बोला है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरे पापा गए हैं, पर मेरे पापा हमेशा हम लोगों के साथ हैं, और हमारी यादों में, हमारे दिल में, और मेरे को कभी भी कुछ भी होता है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं अकेले बैठ के उनसे बातें भी करती हूँ, और मतलब
ठीक है जो भी है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी चलते हैं चाय बनाने, बहुत सारी सेंटी सेंटी बातें हो गई हैं, तो चाय बनाने चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, बना के लिए आई हूँ मैं अपनी चाय। और मेरा ना बड़ा मन कर रहा था आज ना ग्लास में चाय पीने का, कभी कभी मन करता है ना ग्लास में। मैं घर पे ना अपने मम्मी के यहाँ पर जब ज़्यादा होने वाला था, मेरी मम्मी ग्लास में चाय देकर उसके अंदर बहुत सारा घी डाल के मुझे देती थी, तो मेरा ना आज कुछ ऐसे ही मन कर रहा था। देखो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ना घी भी डाला है, थोड़ा सा मैंने घी डाला है, और बस ऐसे ही मन कर रहा था। और मैं खाऊंगी क्या, मैं खाऊंगी पराठा जो मैंने रात बनाया था। मैंने बनाए थे रात प्याज के पराठे, जो मेरे से बिल्कुल भी गोल नहीं बनते कभी भी, तो मैं चाय के साथ पराठे खाऊंगी, पराठा खाऊंगी और प्याज का पराठा। और रात का बासी पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है प्याज का, वो भी चाय के साथ। तो बस इसको हम इंजॉय करेंगे। हाँ मज़ा आया था, कभी बासी पराठा ट्राई करके देखना चाय के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। हे गाइस, तो शाम हो चुकी है, सुबह उसके बाद मैंने फिर कुछ नहीं करा, मैं बहुत लो फील कर रही थी ना, मुझे अच्छा लग रहा था, बट फिर नहाई धोई बाबू को लेके, फिर जैद के हाँ इंजेक्शन लगे थे तीन तीन वो भी, तो उसको लेके मैं बहुत परेशान थी, इस वजह से कुछ भी नहीं बनाया। बट मैंने मैंने सोचा शाम के टाइम ना कुछ अच्छा बनाते हो, क्योंकि बस कुछ अच्छा बनाने से ना मन अच्छा हो जाता है। तो अच्छा क्या बना रही हूँ मैं, मैंने बनाया है, ये देखो मैंने बनाया है सूजी का हलवा, क्योंकि ना बड़ा अच्छा मन कर रहा था, इनका भी मन कर रहा था कुछ अच्छा खाने का, तो मैंने सूजी का हलवा बनाया है, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देसी घी का हलवा बनाया है और सूजी का बनाया है हलवा। और यहाँ बॉयल हो रहे हैं आलू जो अब हो चुके हैं, मैंने गैस बंद कर दिया। अब मैं गुंदा रही हूँ आटा, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। मैं बनाने आ रही हूँ पूरी, आलू की सब्जी और सूजी का हलवा। मैंने हलवे की रेसिपी शेयर नहीं करी है, क्योंकि जिस टाइम पे हलवा बन रहा था उस टाइम पे मैंने बाबू को ले रखा था और ये हलवा बना रहे थे, क्योंकि हमारे घर में जो कुछ एक्सपेरिमेंट होता है ना ये ज़्यादा करते हैं, इसलिए। तो हमारे घर में कुछ भी एक्सपेरिमेंट होता है ना वो ये करते हैं। मैंने निकाले आटा पूरियों के लिए, सबसे पहले मैं डब्बे में करूँगी हलवा, क्योंकि गर्म रहेगा। ऐसा कुछ बनाते हैं ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, सर्दियों में ना बर्तन धोना मुझे अलग ही आदत आती है, अच्छा नहीं लगता मुझे सारे बर्तन धोना, पर धोने तो पड़ेंगे। अंदर जैद भूल है, इसको थोड़ा सा बचेगा, फ्रिज में रख देंगे, फिर बाद में गर्म करके खा सकते हैं। बस अभी हम इसको पानी में रख देते हैं, क्योंकि इसी में पूरियाँ बनेंगी। सबसे पहले मैं धोती हूँ, क्या है ना कि बहुत दिन से ना थोड़ी टेंशन चल रही है घर में, जिस वजह से ना हम लोगों को कुछ भी अच्छा खाने पीने का ना मन नहीं करता, क्योंकि ना अच्छा जैसे कि आपने देखा मैंने कल प्याज के पराठे बनाए थे, तो बस ऐसे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते आप लोगों के साथ, पर ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट होती है, हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है जो हम जल्दी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो वही है कि बस इसी चक्कर में, और मम्मी के घर घर नहीं जाने का दुख मुझे बहुत ज़्यादा है, पर मैं सोच रही हूँ ना कि अच्छा हुआ मम्मी के घर नहीं गई वो, मैं इसलिए क्योंकि मैं ना वहाँ जाती फिर मुझे पता है कि मेरा भाई ना रोएगा जरूर, मुझे पता है तो वो रोएगा, मुझे बहुत दुख होगा, तो इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती। हाँ उसके बर्थडे के बाद इंशाल्लाह हम ज़रूर घर चलेंगे, मैं आपको मेरी मम्मी से ज़रूर मिलाऊंगी इस बार, पक्का प्रॉमिस, और अपने भाई से भी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चलेंगे, अभी थोड़े दिन में चलेंगे, अभी थोड़ी सी इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अब मैं डाल दूँ अजवाइन, थोड़ी सी डाल दूँ, और ये कुत्ता जब भी मेरी कोई वीडियो बननी होती है ना ये जरूर भौंकता, इसका काम है। खैर कोई बात नहीं, बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको भी ठंड लगती होगी है ना, ठंड लगती होगी परेशान। मैं ना मेरे को ना पूरियाँ बनाने नहीं आती, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ना कहते हैं ना मुसलमान मतलब मोमडन लोग बिरयानी अच्छी बना लेते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं वो पूरी सब्जी ये सब अच्छी बनाना, तो मेरा बड़ा मन करता है भंडारे वाली सब्जी खाने का, पूरी खाने का,
तो अगर आपको कोई अच्छी आलू की सब्जी की रेसिपी पता है और पूरी किस तरीके से अच्छी पूरी पूरी बनती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो एक भाई ने मुझे कहा था कि आप नॉनवेज की रेसिपी शेयर करना, तो मैं ना पहले मैं अपने घर पे थी तो मुझे नॉनवेज ना मेरे घर के हिसाब से बनाना होता था, पर अब क्या है कि मैं ससुराल आ गई तो वहाँ जैसा नॉनवेज मतलब मेरी सास ना बड़ा जो है ना वो ना बड़ा झटपट वाला बनाती हैं, गुलाब शाह जी बहुत अच्छा कोरमा बनाती हैं, पर मेरे को ना मेरी सास वाला झट वो बहुत जल्दी बन जाता है तो मेरे को वही रेसिपी पता है। मैं मेरे घर पर जैसा बनता है वो मैंने कभी यहाँ ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरी जो सासू माँ है उन्हीं के हाथ का इन सबको पसंद आता है, तो वैसे ही मैंने बनाना सीखा। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का आपको उसकी रेसिपी में ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये बना लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि पाप उन्हें रोने लग गया है दोबारा से, तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। रेसिपी कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ होता नॉर्मल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और फिर बनाने के बाद आपके साथ शेयर करूँ। मेरा ज़्यादा मैं उसको देखती हूँ पहले। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, सो कैसे हैं आप सब। एंड अभी जैसे कि बताया होगा कि मेरे जैद के इंजेक्शन लगा था और वो अंदर लेके बैठी है और काफ़ी रो रहा है जैद। सो अभी हम बना रहे हैं पूरी और आलू और क्या बनाया, हलवा दिखा दिया। अच्छा आलू और हलवा दिखा दिया ना, आलू कहाँ बनाया अभी। अच्छा आलू नहीं बना, सॉरी। सो हलवा बनाया एंड अभी मैंने ले लिया सरसों का तेल और डालते हैं, रिफाइंड से नहीं बना रहा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता रिफाइंड से। सो अभी बनाते हैं, देखते हैं ठीक बनती है नहीं बनती। वैसे तो मैं ही बनाता हूँ हर बार, फिर भी चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। पतली मैं अपने लिए बनाऊंगा नहीं, ओ सॉरी मैं मोटी बनाऊंगा तुम्हारे लिए पतली बना दूंगा मैं, ठीक है। सो आटा गूंथ चुका है ये रहा, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। सो पानी सूख जाएगा फिर तेल डालते हैं इसके अंदर, तो जब तक हम इसको गोला गोला कर लेते हैं आटे को। दो प्रकार के, पहले मैं अपनी बना लूंगा मोटी मोटी पूड़ी, फिर बाद में उसकी पतली पतली बना लूंगा क्योंकि उसे पसंद नहीं है। सो गाइस तेल डाल चुका, फिर भी थोड़ा और तेल डाल देता हूं मैं। सो अभी निकाल लेते हैं इसको थोड़ा थोड़ा इतना इतना करके। ये मैंने अपने इतने पूड़े निकाल लिए ताकि ये मेरे हैं और जो उसके वो इतने छोटे बनेंगे ताकि इसकी पतली पूड़ी बने। सो स्टार्ट करते हैं, अभी तेल हो रहा है गरम। मुझसे गलती से इसमें वो तेल गिर गया और सॉरी तेल में पानी गिर गया, तो इसको कटर पता करने लगा क्योंकि मेरे को थोड़ा तेल चाहिए था आटे में ताकि अच्छी तरीके से पूरी 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 सी बने। पट 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 आपको बात तो आई होगी। सो गाइस अभी स्टार्ट कर देते हैं, ये ले लिया मैंने अपना आटे का पूड़ा एंड इसको लगाते हैं थोड़ा तेल लगा के ताकि ये थोड़ी चिपके ना नीचे। देख सकते हो बिस्मिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र है जब भी मैं कोई पूड़ी बनाता हूँ तो वो पूरी अच्छी मतलब बनती है, फूल जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है। सो गाइस बन चुकी है, देख सकते हो पूड़ी गर्मा गर्म एंड अभी धुआं हुआ निकल रहा है। सो अभी फिर बनाते हैं इसके बाद एक और, देखते हैं कि वो कैसे बनती है, गोली बनेगी या टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। सो देखते हैं, चलो इससे रख देते हैं थोड़ा साइड में।
ले लेते हैं, दूसरी पूरी बनाते हैं। इसको थोड़ा सा डिप करा, फिर इसको राउंड करा, फिर इसको इधर राउंड करा, फिर इसको इधर राउंड करा, फिर इसको इधर राउंड करा, एंड बन चुकी है दूसरी। सो डाल लेते हैं तेल में। क्योंकि इस टाइम थोड़ा तेल कच्चा था एंड इसलिए थोड़ा सा पूड़ी में इतना निखार नहीं आया, बट माशाल्लाह आप जो पूड़ी जो मेरी बनी है उसमें देख सकते हो आप। सो इसको भी रख देते हैं इधर। गाइस फाइनली बन चुकी है हमारी पूड़ी, देख सकते हो आप, मोटी मोटी सूजी सूजी। और मुझे खाना बनाते बनाते नींद आने लग गया, आप देख सकते हो मेरी आँखों को नींद आती मुझे, और मेरे को जाके अब थोड़ी देर जल्दी खाऊंगा, फिर उसके बाद सोऊंगा। सो मैं बोलता हूँ भाई तुम खाना निकाल दो, जैद सो चुका है। सो गया ना सोनू? सो गाइस खाना बन चुका है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो देखो ये आलू की सब्जी और ये है हलवा और ये अचार है मिर्च का जो हम अपने घर में बनाया था, और ये पूरी सबसे पहले सब्जी मैंने बनाई है, हलवा ही नहीं बनाया। तो मैं इनको अपनी सब्जी टेस्ट करके बताऊंगी, पूछूंगी कैसी बनी। खट्टा हो गया ज़्यादा, पर अच्छी है। मतलब मैं वो टेस्ट ढूंढना चाह रहा हूँ जो भंडारे में होता है, वो तो मेरे हाथ में आने से रहा। अगर आपको किसी को पता है तो आप रेसिपी भेजना। मैं वैसे ही खाना चाहता हूँ क्योंकि ये है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बट वो भंडारे वाला टेस्ट आना चाहिए था। तुम खाओ। मुझे तो अच्छा लगा, जैसा टेस्ट मुझे चाहिए था। सो खाना तो अच्छा। सो गाइस ये था हमारा रात का डिनर। सो आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना। बाय, लव यू।